हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप बागोरिया। कैसे दोस्तों आप सभी। दोस्तों बाबा का ढाबा जो कि इस वक्त बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है यार, इस पर यार एक इस केस में आज एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त अपडेट मेरे हाथ लगी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन यार उससे पहले एक छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ यार, आप खुद सोचिए क्या आज के टाइम में किसी की हेल्प करना गुनाह है? और अगर कोई किसी की हेल्प कर देता है और हेल्प लेने वाले बंदा, उसको क्या किसी के मौके का फायदा उठाना चाहिए? अगर आपने इस चीज़ की अकल नहीं है तो हो सकता है कि यार पीछे कोई और बंदा हो जो आपको पिन मार रहा हो, क्या आपको उन लोगों को पहचानना नहीं चाहिए? चलिए ये तो थी बाकी बात, समझ ही गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। दोस्तों अपडेट ये है कि बाबा का ढाबा, जी हाँ, मालवीय नगर पुलिस ने जांच में ये पता लगाया है कि बाबा के ढाबा के जो ऑनर है कांता प्रसाद जी, उनके अकाउंट में, उनके बैंक अकाउंट में 45 लाख रुपए आए हैं। दोस्तों 45 लाख रुपए आए हैं, और 45 लाख रुपए का मतलब क्या है आप जानते हो। दोस्तों हेल्प करो, लेकिन अंधाधुन हेल्प मत करो यार, और कोशिश करो कि किसी के इस तरीके से सिचुएशन देखे बिना सीधा ही वीडियो देखी और आपने सिचुएशन देखे बिना दे धड़ाधड़ पेटीएम गूगल पे ये सारा कर मारा यार, इसको थोड़ा यूज़ कीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों कि जो इस तरीके के केसेस होते हैं बाबा के ढाबे, तो इसमें यार आप थोड़ा सा इमोशनल होके जो आप हेल्प करते हो उससे थोड़ा सा बचें, ठीक है। आप प्रैक्टिकल होके चीज़ों को सोचें। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने एक वीडियो देखी थी अभी, जो दिल्ली सॉरी न्यूज़ तक एक यूट्यूब चैनल है, उससे मुझे पता लगा, उन्होंने अपनी वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन दी है कि बाबा के ढाबा के अकाउंट में 45 लाख रुपए आए हैं। बाबा, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बाबा शिफ्ट हो चुके हैं और वो नया घर ले रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको पता ही लग गया। तो यार आप सोचे यार, ये गलत बात है यार। बाबा जी, आप इतना सबके ऊपर आर्ग्यूमेंट लगा रहे थे, गौरव के अकाउंट की जानकारी मांग रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अपने अकाउंट की डिटेल्स आपने दिखाने से मना क्यों कर दिया? बट अभी जो बात निकल के आई है उसमें ये है कि पुलिस ने गौरव और कांता प्रसाद दोनों के अकाउंट को कर दिया है सीज, और अभी शायद हो सकता है गौरव को पुलिस जांच के लिए भी बुलाए, बातचीत करने के पूछताछ के लिए बुलाए। तो देखते हैं आगे इस बाबा के ढाबा स्कैम में, कांड में आके क्या क्या खुलासे होते हैं। बने रहिए दोस्तों मेरे साथ इस YouTube चैनल पे, और ऐसे ही मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, मेरी वीडियोस देख रहे हो आप यार, अच्छी बात है, प्लीज़ यार क्या जाएगा आपका अगर सब्सक्राइब कर दोगे तो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।